हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को बैंगन का भरता बनाने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन। अब इसे छील लेंगे ताकि बाद में छीलने का झंझट ना हो। अब हम इसमें 2-4 कट्स लगा देंगे और चेक कर लेंगे कि अंदर कीड़े तो नहीं हैं। और कट्स लगाने के एक और फ़ायदे होते हैं कि बैंगन जल्दी गल जाता है। तो आप देख सकते हैं बैंगन हमारा बिल्कुल फ्रेश है। अब एक गर्म कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और उसी में छीले हुए बैंगन को कर देंगे ऐड, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी डाल देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो और ढक्कन लगा करके 10 मिनट तक अच्छे से सिकने देंगे। जब तक बैंगन और टमाटर हमारे सिक रहे हैं तब तक प्याज टमाटर भी कट कर लेते हैं। एक्चुअली ये बैंगन का भरता बनाने का डिमांड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने किया था। और मेरे सब्सक्राइबर मेरे फैमिली से कम नहीं, तो क्यों नहीं मैं उनका डिमांड पूरा करूं। और सब्सक्राइबर से याद आया कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसे बारीक बारीक काट लेंगे, देखिए इस तरीके से। और 3 हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। और ये 10-12 कली लहसुन लिया है, इसको हम काटेंगे नहीं, इसको कूट लेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं और बैंगन टमाटर भी हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, देखिए काफ़ी गर्म है। अब इसके डंठल को काट करके अलग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से। और फिर इसको मैश कर लेंगे, आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। और टमाटर को भी इसी तरीके से मैश कर लेंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने बैंगन और टमाटर को भुना है उसी में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद तड़के के लिए डालेंगे हम जीरा और 2-4 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और जो लहसुन हमने कूट के रखे थे उसको भी ऐड कर देंगे और चॉप किए हुए हरी मिर्च और प्याज को भी ऐड कर देंगे। और इसी में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसी में डालेंगे हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम कम ही डाल रहे हैं क्योंकि हरी मिर्च हम पहले ही डाल के रखे हैं। उसके बाद मैश किए हुए बैंगन और टमाटर को भी ऐड कर देंगे और 5 मिनट तक भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे पहले ही भून चुके हैं। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया का पत्ती। तो देखिए तैयार है हमारा बिल्कुल टेस्टी सा बैंगन का भरता। और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।